हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो पुनीत ब्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब? खैर, आप भी मौसम के मजे लेते हुए काफी अच्छे हो गए और मैं भी काफी अच्छा हूँ। और स्पेक्स तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये वाला स्पेक्स मेरे को काफी अच्छा लगता है, तो मैं आजकल इसी में अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग करता हूँ। और गाइज, आज है 1 तारीख, तो कल मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, तो आज रात को केक भी काटेंगे। और अभी मैं जा रहा हूँ कमला नगर, क्योंकि मेरे को एक शर्ट लानी है, शर्ट लेने के लिए। और 5:30 बज गए हैं, मैं सो के अब उठाऊँ। अभी तक मैंने खाना वाना नहीं खाया, खाली ब्रेकफास्ट वगैरह करा है। कोई बात नहीं, बिना खाए भी चलता है कभी कभी। तो गाइज, अभी मम्मी पापा का कल एनिवर्सरी है, तो उसके लिए केक का ऑर्डर भी देने जाना है, और एक दो चीज़ें और है उसके लिए भी जाना है। तो चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। गाइस, मैं आया था अपने लिए शर्ट लेने, तो ये है ब्लैक कलर की, तो इसमें वाइट है। कल पहनूंगा तो देखने को मिलेगी। तू क्या देख रहा भाई? तो गाइस, भाई कर दो वाली पैक। पुनीत है ना? पुनीत हाँ भाई, ये भाई बारिश में भी लोगों को चैन नहीं है घूमना, हमारी तरह सारे मिल रहे हैं। मुझे लग रही थी भूख, क्योंकि मैंने जो कल चाउमीन खाई थी उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया, तो अब फिर से मैं अपने लिए चाउमीन ले आया हूँ। और ये पापा ने मंगवाई अपने लिए नमकीन, और ये चनिया बहुत टेस्टी होती है वैसे तो ये, और ये नमकीन मिक्स वाली। और मैं अपने लिए चाउमीन लाया क्योंकि मेरे को भूख लग रही थी, मैंने कल चाउमीन खाई थी उसके बाद दोबारा रिपीट चाउमीन खा रहा हूँ। और यहाँ पापा ये देख रहे हैं, और आज हमारे घर में वो है मांडा, क्योंकि कल हमारे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है ना, इन्होंने हमको वैसे तो शादी में बुलाया नहीं, तो आज कल हम इनकी शादी में जाएंगे और रात को 12 बजे केक काटेंगे। अभी इनको पता नहीं रात को 12 बजे केक कटेगा नहीं कटेगा, तो हम 12 बजे रात को केक काटेंगे। और मैं केक तो मैं पहले से ही ऑर्डर कर आया, मैं शाम को ही कर आया था 4-5 बजे, और अभी 11 बजे लेकर आऊँगा केक, है ना। और सब बढ़िया, आप लोग बताओ कमेंट करके आप लोग कैसे हो। मैं सो गया था 11 बजे, मैं सो गया था और घर पे भी सब सो गए हैं। यार बस कर रहा हूँ, और मैं केक लेने आया हूँ यहीं पे। तो भैया हमारी मार्केट में ना दुकान है केक की, तो उनका घर है, तो घर में से रात को केक दे देते हैं, तो मैं फटाफट केक लेने आया हूँ यहीं पे। इस घर में तो सब सो रहे हैं और मैं अब केक लेकर आया हूँ। मैं भी 11 बजे सो गया था, एकदम से आँख लग गई, और एकदम से मैं फ़ोन चला रहा था, रील्स वगैरह देख रहा था, तो एकदम से ना सो गया और एकदम से आँख खुल गई, और 20 मिनट पहले आँख खुली है। तो मैं फटाफट उठ के पहले केक ले आया, और अब सबको जगा दूंगा, सब सो गए, दिखाता हूँ एक बारी। सब गुड नाइट हो गए गाइस, पहले मैं केक खोल देता हूँ उसके बाद जगाऊंगा। गाइस सो रहे हैं, और दीदी को भी लाइन पर ले लिया मैंने, दीदी अपने घर जा रही है। ये देखो, हैप्पी एनिवर्सरी, टडंग टडंग टडंग। कोई असर ही नहीं हो रहा यार इनको, तो पापा तोड़ गए गाइस। हैप्पी एनिवर्सरी, थैंक यू, गुड मॉर्निंग गाइस। अभी उठते हैं, फिर बताता हूँ। गए फाइनली, और मैं अपना केक ले चलता हूँ। एक मिनट पहले बोल लिया हूँ प्लेट, ये सो रही है, उठ नहीं रही है, इसके अंदर ज़्यादा भाव बढ़ जाते हैं जब कुछ होता है ना, वैसे इसके भाव बढ़ जाते हैं ज़्यादा अपने आप में एटीट्यूड दिखाती है। एनिवर्सरी ना वो लिखवा नहीं पाया था, मैं भूल गया था बोलना मॉम डैड लिखना, तो मैंने ये हैप्पी बर्थडे का ही टैग लगा दिया। कोई बात नहीं, है ना, चलता है। बहन सो जाना, अब क्यों उठ गई यार? क्या है? उधर बैठो पहले कोने पे। याद आ गई एनिवर्सरी है, आ गई याद। चलो फूंक मारो, हैप्पी एनिवर्सरी, ये ताली बजा मंदिर में, ये क्या ताली बजा रही है? ये मेरी जान, रेखा नहीं खाएगी। बहन सो जा, उठ मत, रेखा मत उठ।
खाने में तो नंबर वन है रेखा। दिखाएंगे सबके सब। मम्मी कसम क्या करेगी इसमें, हाथ तो लगा के दिखा जरा। गाइस दीदी भी, गाइस दीदी भी लाइन पे है। लविश, लविश है कुशु, नानी नाना की शादी है। और नाना नानी की शादी आ जाइयो कल। कह रहा हैप्पी एनिवर्सरी। केक खा लिया और अब मेरा गिफ्ट तो दे दो। मेरा गिफ्ट कहाँ है? इस मम्मी की बहन की भी कॉल आ गई। क्या है? मत कर। क्या है? अबे सुन देखा दीदी वाले फोन पे कर, इसमें आवाज नहीं आ रही। कर रेखा दीदी वाले फोन पे कर दोबारा। मम्मी की बहन की कॉल आ गई है हमारी मौसी। और यहाँ रात के, यहाँ रात के 12:15 पे चल रही है चुगलिया। ये चुगलिया कंटिन्यू उबासी भी ले जा रही है, चुगलिया भी करी जा रही है। और ये देखो भैंस की तरह सो रही है। ओ बड़ी जल्दी बोली। गाइस 1:06 हो रहा है और मेरी मौसी की कॉल 12 बजे आई थी और मेरी मम्मी अभी तक बात कर रही है। देखो अभी तक बात करने में लग रही है मम्मी, 1 घंटा हो गया। और दीदी की भी वीडियो कॉल आ गई। देखो अपनी बेटी को इग्नोर कर रही है। और वो बाय बाय बाय। चल कौन है तू? हाँ अभी आप कह रहे हो उसको बाय? नहीं बाय नहीं कर रही, बात तो करा दे। हेलो हेलो। देखो गाइस मीटिंग चल रही है 1 बजे रात के। मीटिंग हमारे साथ सारे। गुड मॉर्निंग। तो 2:30 बज गए हैं, 2:23 रात के और सब लोग सो रहे हैं। और मेरी मम्मी अभी भी बातें करते हैं व्यस्त है। 2:30 बज रहे हैं। देख रहे हो मोहब्बत, मेरी मम्मी की मोहब्बत देख रहे हो। 12 बजे स्टार्ट हुई थी। 12 से 1, 1 से 2 ढाई घंटे हो गए गाइस कंटिन्यू। चलो ऑल द बेस्ट, आप बातें करते रहो। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग एंड आई लव यू। बोलो आई लव यू टू। आई लव यू। बाय। आई लव यू। गुड मॉर्निंग। तो मैं उठ गया था जल्दी, मतलब उठा गया यार, सोया ही नहीं पूरी रात, नींद ही नहीं आई। मम्मी कम से कम 2:30 या 3 बजे तक बात करती रही मासी से। और अब तुम्हारा भाई तैयार हो गया, अब मैं जा रहा हूँ जिम। अब लोड दूसरा पहनना था इसके साथ वाला, कोई नहीं, कोई चेंज कर लेता था। गाइस अब मैं जा रहा हूँ जिम, आज से कर दी जिम स्टार्ट। और अब सब कुछ छोड़ के अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, थोड़ा शरीर वगैरह बनाना है यार। तो नींद नहीं आई, देख लो आँख देख सकते हो, अभी मुँह भी नहीं धोया मैंने, सोया ही नहीं पूरी रात, बस फ़ोन चला रहा था। फ़ोन कर रहा हूँ चार्ज, उसके बाद चल रहे जिम। भाई आ रहे हैं उनके साथ, फिर मिलते हैं जिम में। तो गाइस जिम जाकर आ गई है। हाथ पैर ऐसे हो गया ना, जैसे कितने टाइम बाद जिम गया था ना, इस वजह से हालत ख़राब हो गई है। ये जो चीज़ है ना, इसमें इतना पेन हो रहा है ना, बस पूछो मत। तो अभी आज वैसे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, आप लोगों को पता ही है, तो सब लोग उठ गए हैं, घर के काम में लगे पड़े हैं। और मेरा हो गया स्लीपिंग मोड का टाइम, क्योंकि मैं पूरी रात नहीं सोया। अब मैं सोऊंगा थोड़ी देर, फिर उसके बाद उठ के नहाऊंगा, उसके बाद बहुत सारे काम है आज। और गाइस आज मैं अपनी एक नई शर्ट लाया हूँ, एक वो भी दिखाऊँगा आज पहनूँगा ना। तो बहुत प्यारी शर्ट है यार वो ना, मतलब कि लेनी तो मेरे को दूसरी थी, लेकिन वाली ख़त्म हो गई थी, तो मैंने दूसरी लिया टेडी बेयर वाली। बहुत मस्त शर्ट है, अभी पहनूंगा ना, जब प्रेस वेस करवा के तब दिखाऊंगा। ए गाइस, तो मम्मी कर रही थी दीदी से बात, मेरी मम्मी 7 दिन फ़ोन पे लगी रहती है, आप सब देख ही रहोगे। और मम्मी ने रात को भी 3:30 बजे तक बात करी है, 3:30 बजे तक कर लिया। ये देखो अब मम्मी नहा धो के तैयार है,
और पूजा वगैरह सब कर ली है और इसका क्लास जाने का टाइम हो गया, पता नहीं क्या क्या करती रहती है। और गाइज इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड, अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो सारे ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जो अगला ब्लॉग आएगा बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाला है, कृपा करके चैनल को शेयर करते रहिए सब्सक्राइब करते रहिए, और काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने के लिए जुड़े रहिए। बाय बाय।